असलम फ्रेंड्स, मेरा आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा वॉशिंग मशीन का ढक्कन है टूट चुका है, और अब हम आपको इसका रिपेयरिंग का तरीका बताएंगे। तो ये जो बर्फ़ तोड़ने वाला सूँ है, इसको आपने चूल्हे पर रख देना है ताकि ये आगे से रेड हो जाए और हम वॉश ढक्कन में सुराख कर सकें। इस तरीके से आप किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा आपको हमारा रिपेयरिंग का आइडिया कैसा लगा। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। तब जैसे कि रेड हो चुका है आप देख सकते हैं, तब हम इसमें होल्स कर देंगे। आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा। तब ये सब हम सारे होल्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये हमने सब होल्स कर लिए हैं इसको बराबर रखने के लिए, ताकि आप आसानी से इसको जोड़ पाएँ। तो इसके लिए आपको स्केल से नापना होगा, हाफ इंच या 1 इंच की दूरी पे आप अगर करेंगे हिसाब से, तो फिर ये बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये बस सारे हो गए। इसको ज़रा पीछे से भी हम सही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहरे नहीं हुए थे हॉल्स, तो इसको हम सही कर लेंगे ऐसे। तो फ्रेंड्स, अब ये जो छुरी है इससे हम इसको नीट कर लेंगे, ताकि ये चोट भी ना लगे हमें। इसे पीछे से भी हमने इसको नीट कर लेंगे। और अब हमने एक तार लेनी है, उसको हम ऊपर से छील के ना अंदर से हम गोल्डन वाली तारें निकाल लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए छुरियाँ, कटर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसको जिसकी मदद से कट हो। तो ये जो वाली तारें हैं इसको निकालेंगे। 4 से 5 होती हैं इसके अंदर, किसी में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं। तो ये हमने इसको पूरी तरह से निकाल लिया। तो अब हमने ये तकरीबन 5 तारें निकली हैं, तो इसमें से हम 2 तारे अलहदा कर लेंगे। तो अब ये जो 2 हमने तारे साइड पे की थी, इस इन दोनों को हम मिला के एक तार बना लेंगे, ताकि मोटी हो जाए और फिर ये ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी। इसी तरह से हम सारी कर लेंगे। अब ये हो गए, इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे कटर से, और अब हम इसको जोड़ने शुरू करते हैं। ये देखें, जो मैंने आपको शिका बताया था ना, आप स्केल से नापें। ये देखें, ये बिल्कुल सही बराबर लग गए हैं, होल्स बिल्कुल बराबर हुए हैं। तब हम इस तार से इस पूरे को अच्छी तरह से जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड देखें, ये हमने सारा रिपेयर कर लिया। इसी तरीके से आप भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। हमारा तरीका ज़रूर अपनाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस आइडिया को फ़ायदा उठा सकें। और हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।